खीर या पायसम तो हमने बहुत बार चखा है, पर क्या आपने कभी टेंडर कोकोनट या नारियल पानी वाली खीर भी चखी है? अगर नहीं चखी है तो बनाइए ये अनोखी रेसिपी एड़नीर पायसम और लुत्फ़ उठाइए नारियल पानी और नारियल पल्प का एक डिफरेंट अंदाज में। स्वागत है आप सभी का सावई में। सबसे पहला काम हम जो करने वाले हैं वो है दूध बॉईल करना। तो मैंने लिया है आधा लीटर दूध, यानी कप से ये 2 कप है। इसे मैं क्या करूँगी, लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी। ये हमें 2 कप का करीब करीब 1.5 कप रहना चाहिए, उससे ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे लो फ्लेम पर मैं छोड़ दूँगी और बीच बीच में देखती रहूँगी, और तब तक हम चलते हैं बाकी की तैयारी की तरफ। अब मैंने यहाँ पर 2 टेंडर कोकोनट लिए हैं, तो हम इनका पानी निकाल के साइड में रख देंगे, ये भी हमें चाहिए। और अब हम इनका पल्प निकालेंगे। कोशिश कीजिए कि टेंडर कोकोनट जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो उसमें जो पल्प निकले वो हार्ड ना हो ज़्यादा, वो थोड़ा सॉफ्ट अच्छा पल्प हो, उससे ही इसकी टेस्ट बनती है। इस तरह से हम इनका पल्प निकालेंगे। निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो ब्राउन स्क्रीन होती है वो हमें नहीं लेनी है। हल्के हाथों से ऊपर वाला पल्प सिर्फ हमें लेना है, क्योंकि नहीं तो फिर खीर का कलर बदल जाएगा। मुझे यहाँ पर एक में तो एकदम अच्छा सॉफ्ट पल्प मिला है और दूसरे में थोड़ा सा हार्ड मिला है, पर चलिए कोई बात नहीं, जो भी मिला है हम वही ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते वक्त अगर हमें पानी की ज़रूरत है तो हम टेंडर कोकोनट वाटर ही लेंगे, और एकदम से फाइन पेस्ट हमें इसकी नहीं बनानी है, तो पल्स पर चलाएँगे। अगर आप चाहें तो इसमें से थोड़े से टुकड़े निकाल कर उन्हें छोटे छोटे टुकड़े बनाकर भी डाल सकते हैं, पर वो मैं नहीं कर रही हूँ। मैं पूरा पल्प जो है सब ब्लेंड कर रही हूँ एक साथ। पल्प जो हमने ब्लेंड किया है वो 1/2 कप के करीब है, पर ऐसा नहीं है कि 1/2 कप ही लेना है, कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। जितना भी 2 नारियल के करीब इसमें काफ़ी होंगे, तो 2 नारियल में सॉफ्ट पल्प जितना भी आपको मिलता है उतना काफ़ी रहेगा। चलिए, यहाँ पर हमारा एक काम तो पूरा हो गया है, अब हम चलेंगे दूसरे काम की तरफ। तो मैंने एक बड़े से नारियल में से 1/2 नारियल यहाँ पर लिया है और उसे ग्रेट करने के बाद ये 1 कप के करीब है, तो इसे हम करेंगे ब्लेंड। और ब्लेंड करते वक्त जो पानी हमें चाहिए वो भी हम टेंडर कोकोनट वाटर ही लेंगे, और उसी में मैं ऐड कर रही हूँ 4-5 इलायची। इलायची और नारियल के दूध की एकदम परफेक्ट खुशबू आ रही है। इसे और एक दूसरी तरीके से बनाया जाता है, मतलब दूध गाढ़ा बना के उसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड की जाती है और उसके बाद फिर स्टोव पर इसे नहीं रखा जाता है, तो उस तरीके से भी हम कभी और एक बार देखेंगे। आज हमने इस तरीके से बनाया है, तो इसे इसका असली मज़ा तभी आता है जब ये चिल्ड सर्व किया जाता है। तो इसे बनाने के बाद हम रखेंगे फ्रिज में और इसे सर्व करते वक्त इसे सर्व करेंगे चिल्ड। इसमें हम जितना पानी चाहिए उतना ही पानी ऐड करेंगे ब्लेंड करते वक्त, और ब्लेंड करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि मुझे 1 कप के करीब यहाँ पर नारियल का दूध मिला है। दूसरी बार मैं इसमें पानी डाल के पतला वाला दूध फिर से नहीं निकालूंगी, ये गाढ़ा वाला जो पहला वाला मिल्क होता है वही मैं यूज़ करूँगी। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि हमारा दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा बन चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी इसमें नारियल का दूध, तो एक हाथ से धीरे धीरे नारियल का दूध हम ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और दूसरे हाथ से इसे स्टर करते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा कि दूध हमारा जो है वो फट जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बॉईल इसमें आते आते ये अच्छा खासा गाढ़ा बन चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर। तो शक्कर मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पर, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर आप कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, पर क्या होता है ना कि ये ऑलरेडी इसमें कॉन्सेंट्रेटेड इतनी चीज़ें हम डालते हैं तो ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लगता है, तो इसमें मैं कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो फ्लेवर के लिए आप डाल सकते हैं, उससे भी एक अच्छा डिफरेंट फ्लेवर आ जाएगा। और साथ साथ ही शुगर के साथ एक चुटकी नमक भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा, पर मैं अवॉइड कर रही हूँ। या फिर यहाँ पर शुगर की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ से बस पायसम का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर आप अगर चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे जो पल्प हमने ब्लेंड किया था उसे हम ऐड करेंगे। उसके साथ साथ ही मैंने थोड़े से घी में 10 बारह काजू और 10 बारह किशमिश हल्के से फ्राई किए थे, तो उन्हें भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा, तो इस बात ये बात आप ध्यान में रखिए। और जितना भी आपको गाढ़ा या पतला चाहिए आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये पतला हो रहा है तो आप इसे और थोड़ी देर पकाए, और अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा बन चुका है तो आप इसमें दूध मिला सकते हैं, या फिर टेंडर कोकोनट वाटर अगर आपके पास बचा हो तो वो भी मिला सकते हैं। तो एन्जॉय द न्यू रेसिपी। थैंक यू।